आपका स्वागत है पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज स्टूडेंट हम लोग न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह कैसे वर्क करता है, किस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ रहता है और कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बेल यानी कि घंटी, विद्युत घंटी। यह हमारे घर में लगाने वाला एक रिंगिंग बेल है यानी घंटी है, जिसे विद्युत के जरिए कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक के द्वारा इसमें सप्लाई दिया जाता है और यह बजता है। लेकिन कैसे इसमें बैकेलाइट या पीवीसी की बोबिन पर दो सुपर इनेमेल से बनी क्वाइल फिट किया हुआ रहता है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइट क्लोराइड की बोबिन के दो सुपर इनेमेल से बना क्वाइल फिट किया हुआ जाता है और इसके मध्य नर्म लोहे का पट्टी क्वाइल को सप्लाई देने के लिए फिट की जाती है, ताकि यह चुंबक में बदल सके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इसमें पैदा हो। और दोनों क्वाइलों को यानी कि दोनों जो नर्म लोहे की जो पट्टी बनाई हुई रहती है उनको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को दर्शाए, ताकि इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो चुंबक बनेगा वो एक शक्तिशाली चुंबक बने। ये में पैदा होगा, आर्मेचर रहेगी, आर्मेचर के ऊपर जो पतली टर्न की कॉपर वायर क्वाइल से जो वाइंडिंग की हुई रहती है उससे ईएमएफ पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। नीचे जो फिगर बनाया हुआ है उसमें देखेंगे कि दो पत्ती चुंबक के सामने से आर्मेचर में लगी हुई है। ये है आपके दो चुंबक की पट्टी, ये जो सीधे आयरन सॉफ्ट क्वाइल से जुड़ा हुआ है, ये दोनों पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं। जो नर्म लोहे की पत्ती चुंबक के सामने लगी हुई है यही आर्मेचर क्वाइल है, इसे ही क्या कहते हैं, आर्मेचर क्वाइल। आर्मेचर कॉइल है। अब आर्मेचर के पेचों से मजबूत स्प्रिंग स्टील जुड़ा हुआ रहता है, स्प्रिंग स्टील जोड़ दिया जाता है जो कि यहाँ पर है, इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आर्मेचर से संपर्क होकर क्या करेगा, ये उसको खींचेंगे, जब खींचेंगे तो उस क्वाइल में तनाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न के बाद गोंग में आवाज़ आएगी, यानी कि जो आपके अंदर में दीवार पर जो लगाया हुआ है बेल उसमें आवाज़ जाएगी और क्वाइल में चुंबक या अर्थात जब स्ट्राइबर पर जब गोंग पर दबाव देते हैं तो इस पर लगे कनेक्ट का संपर्क टूट जाता है और क्वाइल में चुंबक नहीं बनता है, इसलिए 15 से 30 सेकंड तक सप्लाई देनी चाहिए। यानी कि जब ज़्यादा समय तक अगर हम सप्लाई देते रहेंगे तो क्या होगा, आपको संपर्क टूट जाएगी,
इसलिए हम लोग बाहर दरवाजे पर जब बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो 15 से 30 सेकेंड से ज़्यादा उस पर सप्लाई इनपुट नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उससे संपर्क टूट जाएगा। इसे सप्लाई देने के लिए इसके मुख्य भाग हैं कौन कौन से, गोंग, एडजस्टमेंट स्क्रू, स्ट्रिप, आयरन बेस, टर्मिनल बेल इत्यादि इसमें जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वाटर कूलर। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर कूलर के बारे में कि कैसे वर्क है, क्या क्या इक्विपमेंट लगी हुई रहती है उसमें, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी विद्युत घंटी, ये टॉपिक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।